पे रहते हैं। और दोस्तों हम सब अपने अलग-अलग हाउसेस में रहते हैं। और दोस्तों आज हम इसी टाइप के कुछ सेवन हाउस देखने वाले हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट एंड लेट मी टेल यू समथिंग एक्साइटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपना सबसे पहला है, उसका नाम है दोस्तों स्काई क्रैपर्स। ये जो हाउसेस मतलब हाउसेस नहीं बोलूंगा दोस्तों, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है। और फिर दोस्तों ये जो बिल्डिंग्स होती है आपकी, आप इधर आप इसका फोटो देख पा रहे हो। और दोस्तों ये जो बिल्डिंग होती है और इसके अंदर 40 से भी ज्यादा फ्लोर्स होती है। और इसका हम अंदाजे से इसकी हाइट मेजर करें तो वो हो सकती है दोस्तों 150 मीटर्स। और फिर दोस्तों स्काई क्रैपर्स भी वैसे बड़े सी बिल्डिंग और बहुत बिग बिग सिटीज में हमें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मुंबई, फिर दुबई, ऐसे बिग बिग सिटीज में दोस्तों हमें स्काई क्रैपर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी अपना जो सेकेंड है वो है दोस्तों कार्निवल। और दोस्तों ये जो कार्निवल होती है उसके मतलब एक वेहिकल रहती है, उसके ऊपर ये जो कार्निवल है वो बनाई जाती है, मतलब एक वेहिकल होती है उसकी, उसको ही वो अपना हाउस बना लेती है। और ऐसे ही हाउसेस इसलिए बनाती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होगा और आपको भी अगर ट्रैवलिंग का बहुत शौक है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों कार्निवल जो होती है वो ऐसी वैन होती है जिसके अंदर हम अपना सामान कैरी कर सकते हैं, मतलब ज्यादातर ये ग्रुप्स वाले जो भी पीपल होगी ट्रैवलिंग का शौक होगा वो लोग जाते हैं दोस्तों। और ये कुछ इस टाइप की दिख होती है, आप देख पा रहे हो इधर। और दोस्तों कार्नी वैन जो होती है एक लेग से अनादर पीपल अगर कोई जा रहा होगा तब वो कार्नी वैन का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों सामने की तरफ जो कि है दोस्तों यार्ड। तो दोस्तों आप सब में से बहुत सारे लोगों को इग्लू के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों। और दोस्तों इग्लू जो होते हैं उनको हम इग्लू छोड़ के स्नो हाउस भी कहा जाता है दोस्तों। और इग्लू की जब बात आती है दोस्तों आपके मन में एक सवाल आते ही होगा कि भाई इतनी बर्फ की जगह पे इग्लू क्यों बनाया जाता है, इतनी बर्फ में तो वो भी बर्फीला ही होगा, उसमें भी ठंड लगती ही होगी, फिर वो लोग इग्लू के अंदर क्यों जाते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता, इग्लू जो होता है वो अंदर से बहुत हीट रहता है दोस्तों, और जो बाहर की ठंड होती है उससे बचने के लिए हम इग्लू का यूज करते हैं दोस्तों। और आपने भी अगर इग्लू के बारे में आपको पता होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों तब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अभी सामने। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों हाउस बोट। और हाउस बोट जो होती है दोस्तों इसकी आप फोटो देख पा रहे कुछ ऐसी होती है। और दोस्तों हाउस बोट जो है मतलब ऐसे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी इनको कहा जाता है दोस्तों। इनको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों कि वो जो शिप है उसके अंदर वो अपना हाउस बना के उधर रह सके दोस्तों, ऐसा कुछ टाइप का उसको बना के रखते हैं। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को टाइटैनिक तो पता ही होगी, तो कुछ उस टाइप की हाउस बोट। लेकिन दोस्तों ये जो होती है एक बोट के ऊपर हाउस बनाती है दोस्तों, और इसको हम अभी पहले ही कह दिया है, इसको हम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं दोस्तों। तो अभी हमने हाउस दोस्तों अपना जो अगला है वो है दोस्तों चाइल्ड। और इसको जो है दोस्तों ये कुछ ऐसे बना हुआ होता है, आप देख पा रहे हो इधर फोटो में दोस्तों। चाइल्ड जो होता है वो ऐसे हेवी रूप से बना है, मतलब वुड से बनता है दोस्तों, और वो कुछ ऐसे आड़े तरीके से बनाए जाते हैं जिसके दोस्तों उधर अगर स्नो पड़ेगी उसके ऊपर तो उस डायरेक्ट नीचे चली जाएगी, हमें उसके ऊपर जाके उसको साफ सफाई नहीं करी जा सकती। और दोस्तों मेनली मेरे मतलब हमारी सिटी में अपने घर जो होते हैं वो ऊपर से ऐसे अपना टेरिस कुछ ऐसे स्क्वायर टाइप में होता है। लेकिन दोस्तों चैरेट जो होते हैं उनको स्विस चैरेट भी कहा जाता है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब स्विट्जरलैंड में फाउंड किए जाते हैं। और दोस्तों चैरेट जो होते हैं मतलब ऐसे कुछ आले टाइप के बने हुए होते हैं जिससे दोस्तों स्नो जो है नीचे चली जाती है, मैंने आपको पहले ही कहा है। और दोस्तों अपने जो अगर अपने जैसे हाउस उधर बनेंगे तो हमें जो है बार बार ऊपर जाके स्नो हटानी पड़ेगी, वो आले टाइप के इसलिए बनाते हैं दोस्तों क्योंकि अगर उसके ऊपर स्नो या फिर कुछ आ जाए तो नीचे ऐसे फ्लोट होके जले जाए। तो अभी हमने चैरेट भी देख लिया, अभी हम बढ़ते हैं सामने दोस्तों अपना जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों विग वैन। और ये नेटिव अमेरिकन्स में देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों, आप इधर फोटो में देख ही पा रहे हो। ये जो होते हैं दोस्तों कुछ इग्लू टाइप के हैं, और इसके अंदर दोस्तों होता क्या है कि मोस्टली वुड से बनाए जाते हैं दोस्तों। तो अभी विग वैन का मैंने बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन बताई है। और दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं सामने की तरफ और जानते हैं अभी अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि दोस्तों टेंट। तो दोस्तों टेंट जो होते हैं आपने बहुत सारे लोगों ने टेंट का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, क्योंकि अपने एरिया में दोस्तों बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं और ये प्लास्टिक शीट से बने हुए रहते हैं दोस्तों या फिर किसी और मटेरियल से बनते हैं।
और दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा नॉमेडियंस ही यूज करते, जो कि दोस्तों जिनको ट्रेडिंग का शौक होगा। और दोस्तों ये जो टेंट होते हैं ये भी ट्राइंगल मतलब ऐसे आड़े भी होते हैं, और मतलब आपको अगर ट्रेडिंग का शौक होगा आप जा सकते हो, उसको बैग में इजीली कैरी हो जाएगा। और फिर दोस्तों रात के अंदर सर्वाइव करने के लिए, हाउस बनाने के लिए ये टेंट जो है दोस्तों लगाए जाते हैं। अगर आपकी स्कूल की किधर पिकनिक वगैरह गई होगी तो दोस्तों टेंट जो है यूज होते होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ हाउसेस देखे, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के अगले। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ट्रैवलिंग का शौक है या फिर नहीं, और आपने इन सारे हाउसेस में से कौन से हाउसेस को देखा है। और दोस्तों इस वीडियो को साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपसे द्वारा बहुत सारे लोग टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जान पाए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे ट्यून, थैंक्स।